दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं जर्मनी के वीजा की जानकारी। जी हां दोस्तों, जर्मनी के वीजा से रिलेटेड एक अपडेट आया है, जिस अपडेट के बाद आपके चेहरों पे हंसी आने वाली है दोस्तों, चेहरों पे मुस्कान आने वाली है। क्योंकि जिस वीजा को लेने में जो है पहले 9 महीने तक लग जाते थे दोस्तों, अब उस वीजा का टाइम काट करके 2 हफ्ते कर दिया गया। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है फ्रॉम 9 मंथ्स टू 2 वीक्स जर्मनी कट्स वीजा प्रोसेसिंग टाइम फॉर इंडियन स्किल्ड वर्कर्स। जी हां दोस्तों, पिछले साल जो है इस प्रोसेसिंग टाइम की वजह से इतनी जॉब्स खाली रह गई कि लेबर शॉर्टेज पड़ चुकी है जर्मनी में। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में ये वीजा अपडेट तो देने ही वाला हूं आपको, साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी इन डिमांड जॉब्स है, कौन कौन सी जॉब्स में है लोगों की जरूरत होने वाली है दोस्तों, ताकि आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई करके जर्मनी का वीजा हासिल कर सके। मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देता हूं। देख सकते हैं दोस्तों, बिजनेस टुडे के आर्टिकल से आपको जानकारी दे रहा हूं, यानी कि जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों वो पूरी की पूरी ऑथेंटिक होने वाली है। यहां पर अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है दिस डिसीजन एम्स टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस फॉर अप्रॉक्सिमेटली 4 लाख इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय एक्सटेंडेड वेटिंग टाइम्स व्हेन अप्लाइंग फॉर नेशनल वीजा एड्रेसिंग अ ग्रोइंग कंसर्न विद इन वेरियस सेक्टर्स। यानी कि पिछले साल जो है करीब 4 लाख लोगों को जो है इस प्रोसेसिंग टाइम से दिक्कत आई थी, उनको वीजा ही नहीं मिला, उनको जल्दी से जल्दी वीजा चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से ये लेंथी प्रोसेस होने की वजह से जो है उनको वीजा मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आई, और इसी वजह से जो है लेबर शॉर्टेज अभी जर्मनी में देखी जा रही है दोस्तों। और इसीलिए जर्मनी की सरकार ने लेबर शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए ये प्रोसेसिंग टाइम को जो है 9 महीने से काट के आधा महीना कर दिया, यानी कि 2 हफ्ते कर दिया दोस्तों। आप खुद सोच सकते हैं कि भैया कितना ज्यादा टाइम जो है कट कर दिया गया है, यानी कि जिस चीज में 9 महीने लग रहे थे ऑलमोस्ट 3/4 साल का लग रहा था दोस्तों, अब उस वीजा को पाने में मात्र 14 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ इन मूव टू एलिविएट लेबर शॉर्टेजेस द जर्मन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ड्रामेटिक रिडक्शन इन वीजा प्रोसेसिंग टाइम्स फॉर इंडियन स्किल्ड वर्कर्स। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय शेनगन न्यूज द वेटिंग पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म वीजाज हैज बीन कट फ्रॉम 9 मंथ्स टू जस्ट 2 वीक्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म वीजा अगर आप लेना चाहते हैं तो टाइम आपको कम लगने वाला है। यहां पर लिखा हुआ दिस डिसीजन एम्स टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस फॉर अप्रॉक्सिमेटली, वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको शुरुआत में बताई, जर्मनी इज करेंटली ग्रैपलिंग विद अ वर्कफोर्स शॉर्टेज विद रिपोर्ट्स इंडिकेटिंग दैट अराउंड 5,70,000 पोजीशंस वेंट अनफिल्ड इन जर्मनी इन 2023 विच इज इंपैक्टिंग द इकोनॉमी। यहां पर कहने का मतलब है कि भैया करीब 6 लाख जॉब्स जो है ऐसी थी जिसमें लोग ही नहीं थे काम करने के लिए, जिसकी वजह से जो है लेबर शॉर्टेज बढ़ गई और इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है जर्मनी की। तो मतलब जर्मनी में लोग नहीं है काम करने के लिए भैया, तो इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी। इसीलिए अब जल्दी से जल्दी इस वीजा अपडेट को लाया गया है दोस्तों, ताकि कम से कम समय में आपको वीजा दिया जा सके और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जा सके दोस्तों, और लेबर शॉर्टेज को फुलफिल कर सके। ठीक है, यहां पर और देखा जाए तो देखा जाए कि कौन कौन से सेक्टर्स जो है हार्ड हिटिंग है। पर्टिकुलरली हार्ड हिट सेक्टर्स इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज आउटलाइंड इन अनदर शेनगन न्यूज आर्टिकल। द रिडक्शन इन वीजा प्रोसेसिंग टाइम इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट मोर स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम इंडिया, बोल्स्टरिंग जर्मनीज कैपेसिटी टू मीट इट वर्क फोर्स डिमांड। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया से लोगों को इसीलिए बुलाया जा रहा है ताकि वर्कफोर्स डिमांड को फुलफिल किया जाए, और सबसे ज्यादा जिन सेक्टर्स में फर्क पड़ा है वो है ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि अभी राइट समय है, अभी सही समय है, आप लोग अगर जॉब ढूंढना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, वीजा लेना चाहते हैं, तो जो जॉब्स खाली पड़ी है उन जॉब्स के लिए जो है टारगेट करना है आपको, उन जॉब्स में अप्लाई करना है। सही सीवी कवर लेटर अगर आपके पास नहीं है दोस्तों तो आज ही अपना सीवी कवर लेटर बनाइए। आपको हमारे चैनल पर सीवी कवर लेटर बनाने का तरीका मिल जाएगा। आपको खुद नहीं बनाना आ रहा या फिर आपके पास समय नहीं है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं, और जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जॉब अगर आपको मिल गई दोस्तों तो 2 हफ्ते के अंदर आपको वीजा मिल सकता है। याद रखिएगा, लगातार जॉब के लिए अप्लाई करना होगा, कंसिस्टेंसी बना के रखनी होगी। अगर आप लगातार अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो भैया एम्प्लॉयर तक आपका सीवी नहीं पहुंचेगा। 10 जॉब आपको कम से कम हर दिन अप्लाई करने होंगे दोस्तों, 10 नहीं कर पा रहे हो तो 5-6 तो जरूर करो, ताकि सही जगह पे आपका निशाना लगे और आपको भी सही जगह से रिस्पॉन्स आए। ठीक है, और उसके लिए सीवी कवर लेटर भी प्रोफेशनल होना जरूरी है, याद रखिएगा दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी इन डिमांड जॉब्स हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टॉप इन डिमांड ऑक्यूपेशंस इन जर्मनी, और साथ ही उसकी सैलरी भी बताऊंगा दोस्तों। इंजीनियरिंग की जॉब जो है सबसे ज्यादा ऊपर टॉप पे दिखाई जा रही है यहां पर, और उसके लिए जो है करीब आपको 60,000 यूरो जो है सालाना मिल सकते हैं दोस्तों। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेबर शॉर्टेज देखने के लिए मिल रही है, 43,396 यूरो आपको मिल सकते हैं सालाना।
और ट्रांसपोर्टेशन की जॉब उसके बाद आती है जिसमें 35,000 से 36,000 यूरोज आप कमा सकते हैं। फाइनेंस में आप 35 से 36,000, सेल्स एंड मार्केटिंग में 33,000 से 34,000, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन में 33 से 34,000 यूरोज सालाना की बात कर रहा हूं दोस्तों। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस में 30,000 से 32,000 आप यूरोज कमा सकते हैं सालाना। लीगल जॉब्स में आपको जो है 30,000 यूरोज करीब करीब कमाने का मौका मिलेगा। आर्ट में आपको जो है 25 से 26-27 हज़ार यूरोज कमाने का मौका मिलेगा। अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 26 से 27 हज़ार यूरोज कमाने का मौका मिलेगा। शिपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो है आपको 25,000 यूरोज सालाना कमाने का मौका मिलेगा। फूड सर्विसेज में भी आपको करीब 25,000 यूरो सालाना कमाने का मौका मिलेगा दोस्तों। रिटेल एंड कस्टमर सर्विस में आपको 24 से 25,000 यूरो सालाना कमाने का मौका मिलेगा। हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज में भी आपको 24 से 25,000 कमाने का मौका मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। होटल इंडस्ट्री में आप 20 से 22,000 यूरो सालाना कमा सकते हैं दोस्तों। करीब करीब आप जो है 2,000 यूरो जो है महीने के निकाल सकते हैं अगर आप ओवर टाइम वगैरह करते हैं और सही से काम करते हैं। तो यहां पर पूरी की पूरी जानकारी दी गई है, व्हाई वर्क इन जर्मनी, जर्मनी में आपको क्यों काम करना चाहिए। सबसे साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, आपको जो है 48 घंटे काम करना होता है पर वीक, ठीक है, और वो 48 घंटे आप बहुत आराम से कर सकते हैं दोस्तों अगर आप फोकसली काम करें और वर्क लाइफ बैलेंस होता है वहां पर। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है शिफ्ट के बाहर भी काम करवाया जाएगा और उसके बाद आपको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे उस चीज के। अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर ओवर टाइम का पैसा भी दिया जाएगा और आपके शिफ्ट में ही आपको काम करवाया जाएगा दोस्तों। अगर आपकी शिफ्ट खत्म हो जाती है, अगर आपका काम का समय खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है। इंडिया में नहीं कि आप बैठे रहो, आधा घंटा और काम करो, एक घंटा और काम करो और उसके पैसे भी नहीं मिल रहे। एम्प्लॉयज इन जर्मनी कैन गेट 25 to 40 पेड डेज ऑफ पर ईयर, आपको 25 से 40 ऑफ डेज मिल सकते हैं पूरे साल में और उसके लिए आपको पैसा भी मिलेगा, ठीक है। ट्रैवल टू एंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आना जाना कर सकते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की क्यों बातचीत हो रही है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ बेसिकली कहा जाए तो यहाँ पर आपको जो है वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिलेगा, काम बहुत अच्छा मिलेगा, सैलरी अच्छी मिलेगी, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जर्मनी के जो जॉब पोर्टल्स हैं उन जॉब पोर्टल्स पे जाइए, अपने लिए जॉब ढूंढना चालू कर दीजिए और अप्लाई करना चालू कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको नहीं पता कि कौन से जॉब पोर्टल सही हैं, कहां पर आपको जॉब ढूंढनी चाहिए, तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आई जाएगी जिसमें जो है मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉप जॉब पोर्टल्स हैं और कैसे आप जो है अपने लिए जर्मनी में जॉब्स ढूंढ सकते हैं और उन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तरीका पूरा का पूरा मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, लेकिन हाँ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे दोस्तों, ठीक है। एक बार फिर से याद दिलाऊंगा कि अप्लाई करना चाहते हो जॉब्स के लिए तो सीवी कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट का या जर्मनी स्टैंडर्ड का होना चाहिए दोस्तों, एटीएस कंप्लायंट। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही हमें कॉन्टैक्ट कीजिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।